हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। मैंने जो ओल्ड साड़ी से गाउन कट किया था उसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आज। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये गाउन मैंने कल कट किया था, उसका मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इसमें जो जॉइंट के लिए कपड़ा कट किया था मैं उसे इसके साथ में गाउन के कपड़े के साथ में पहले स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आगे। तो फ्रेंड्स मैंने उसको स्टिच कर लिया है कपड़े को। ये देखिए फ्रेंड, तो अब हम लाइनिंग को स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स लाइनिंग के कपड़े को दोनों साइड से स्टिच करने के बाद में हम नीचे से एक इंच डबल फोल्ड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और अब हम साड़ी के कपड़े को सबसे पहले नीचे से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हम दो इंच फोल्ड करके और फिर उसकी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसका बॉर्डर स्टिच कर लिया है और इसकी साइड भी स्टिच कर ली है। देखिए इसकी बॉर्डर मैंने गोलाई में कट किया था इसलिए थोड़ा सा एयर लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका टॉप एरिया स्टिच करेंगे। तो हम इसका गला कट कर लेते हैं और दोनों पल्ले मैंने एक साथ रखे हुए हैं, दोनों को एक साथ कट कर दिया मैंने गले को। और अब हम इसके पीछे का पार्ट जो था उसे निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड मैं इसके पीछे का पार्ट निकाल करके आगे के पल्ले में आर्म होल का शेप दूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं इसका गला सबसे पहले स्टिच करूँगी। गले की कटिंग का जो कपड़ा था वो मैं साड़ी के कपड़े के ऊपर रख करके इसे थोड़ा सा 1.5 इंच की दूरी पर कट कर लूँगी इस तरह से। और इसे बराबर कर लेते हैं। और इसे हम हाफ इंच फोल्ड करते हुए गोलाई में सिलाई चला लेंगे। ये देखिए। और अब हम गले के शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है, अब हम इसे गले के साथ स्टिच करेंगे। और अब हम इसे सीधी साइड पलट देंगे। पलटने के लिए हमें इसमें कट लगाने पड़ेंगे फ्रेंड। मैंने उल्टी साइड रख कर के इसे स्टिच किया है, अब हम इसे पलटेंगे सीधी साइड इस तरह से। फ्रेंड्स इसमें हम पलट करके बॉर्डर पर एक सिलाई चलाएंगे। और फ्रेंड ये रेडीमेड होजरी पाइपिंग है, इसे हम गले के बॉर्डर में लगाएंगे।
इस तरह से रखते हुए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने बैक का गला भी स्टिच कर लिया है और अब हमने इसके कंधे स्टिच कर लिए फ्रेंड। और अब हम इसमें स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स की मैंने बॉर्डर फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ। दोनों स्लीव्स का बॉर्डर मैंने स्टिच कर लिया है और अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स हाफ इंच की गहराई स्लीव्स में भी करेंगे हम फ्रंट साइड में। और इस तरह से रख कर के कपड़े को दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये फ्रेंड मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं कर लेती हूँ। और उस साइड भी मैं फ्रंट में हाफ इंच का स्लीव्स में सेप दूंगी और स्लीव्स को अटैच कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने दूसरी दोनों आस्तीन को जोड़ लिया है और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इस तरह से पलट करके मैं आस्तीन से सिलाई स्टार्ट करूँगी और साइड में कमर तक इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। ये फ्रेंड मैंने एक साइड स्टिच कर लिया है। अब मैं इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा गाउन का टॉप एरिया कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे घेरे के साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के कपड़े को साड़ी के कपड़े में इस तरह से अटैच कर लेती हूँ। जितना एक्स्ट्रा है मैं उसमें प्लेट्स डाल करके अटैच करूँगी। ये देखिए फ्रेंड मैंने लाइनिंग के कपड़े को साड़ी के कपड़े में अटैच कर लिया है और अब हम इसमें गाउन का टॉप एरिया स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं इसके बॉर्डर में इस तरह से लेस लगाने वाली थी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें लेस नहीं लगाऊंगी, इसे ऐसे ही रखूंगी। और इसके टॉप में मैं कुछ बटन लगा लूंगी, इससे और सुंदर लगने लगेगा ही।
ये देखिए फ्रेंड तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।